हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हम कर रहे थे वेन डायग्राम्स पिनिकल बुक से। हमने लास्ट वीडियो में 180 क्वेश्चन तक कर लिया था। अगर किसी को पुराने क्वेश्चन देखे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 181, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको देखो, ये कबड्डी के स्टूडेंट्स दिखा रखे हैं ट्राइंगल से, ये क्रिकेट के और ये हॉकी से। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एनी टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स। जो दो खेलते हो। देखो, दो का मतलब है कि वो या दो उसमें आने चाहिए, या तो सर्कल रेक्टेंगल में आ रहा हो, सर्कल ट्राइंगल में आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक तो फाइव हो गया आंसर में, एक सिक्स हो गया, सेवन नहीं लेंगे क्योंकि सेवन हॉकी खेलते हैं, टेन क्रिकेट खेलते हैं और एट वो खेलते हैं। तो हमारा आंसर होगा 5 + 6 कितना हो गया 11, और 11 तो इसलिए 181 का ए। हम 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो तीनों में आ रहे हैं। इसमें पूछे हु प्ले एनी टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी। फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाना है। साइंस एक ब्रॉड टर्म आ गई, साइंस में फिजिक्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, जूलॉजी भी आता है। फिजिक्स के अंदर साइंस के अंदर फिजिक्स आ गई और बायोलॉजी आ गई। बायोलॉजी और फिजिक्स में कोई कनेक्शन होते हैं, जूलॉजी जो होती है बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। तो ये हो गया, तो 182 का बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 183, धीरम, USD एंड करेंसी। आपको पता है करेंसी एक सिंगल एंटिटी हो गई, धीरम भी करेंसी होती है, USD भी करेंसी होती है। तो इसलिए करेंसी धीरम और USD, इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। देन क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्वाड्रिलेटर को ए से डिनोट कर रखा है, रेक्टेंगल को बी से, स्क्वायर को सी से। तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल। तो एक सर्कल में आ गया क्वाड्रिलेटरल, तो हम इस सर्कल को ए से डिनोट करेंगे। अब आपको पता ही होगा कि स्क्वायर इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल ही होता है, बस इतना फ़र्क होता है स्क्वायर की सारी साइड्स 90 डिग्री होती हैं। तो इसलिए सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स के अंदर भी आ जाएंगे। तो ये सी हो गया, ये बी हो गया। ये वाला डायग्राम देखते हैं किसमें इस, ये तो ए सी बी है, हमारा ए बी सी है। तो हमें देखना ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 185। इन द गिवन वेन डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फीमेल्स, ट्राइंगल फीमेल्स रिप्रेजेंट करती हैं। सर्कल रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट्स, ये ग्रेजुएट्स दिखाते हैं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयड, रेक्टेंगल सॉरी एम्प्लॉयड, एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स यूथ। ठीक है, द नंबर गिवन इन द डायग्राम शोज द, ठीक है, हाउ मैनी फीमेल्स ग्रेजुएट्स, मतलब फीमेल्स मतलब ट्राइंगल भी हो और सर्कल भी, हु आर अंडर 30 ईयर्स एंड आर एम्प्लॉयड। मतलब हाउ मैनी फीमेल्स ग्रेजुएट्स हु आर अंडर 30 ईयर्स, मतलब वो यूथ वाले एरिया में भी आती हैं, यूथ अंडर 30 ईयर्स एंड आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड भी होनी चाहिए। मतलब इन जो नंबर इन चारों में आ रहा हो वो नंबर चाहिए हमें। तो आप ये देखो, फाइव एक ऐसा नंबर है जो ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है। एट आप देखो ट्राइंगल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है पर स्क्वायर में नहीं आ रहा। 18 ऐसी सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है पर ट्राइंगल में नहीं आ रहा। तो आई थिंक 5 इज़ द आंसर, 185 का डी। The given Venn diagram representation employs in an organization. The triangle represents executive. The circle triangle executive है. Circle represents females. और the rectangle represents MBA. And square represent and the square represents technical staff. ये technical staff हो गया, ठीक है। द नंबर इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। हाउ मैनी फीमेल एग्जीक्यूटिव, मतलब फीमेल्स हो गए, फीमेल्स किससे था, सर्कल और ट्राइंगल, आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब हाउ मैनी फीमेल एग्जीक्यूटिव, मतलब जो पार्ट सर्कल और ट्राइंगल में आ रहा हो, तो वो है ये 5 ओनली. तो 186 का डी पार्ट. देन उसके बाद आता है द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स, द सर्कल रिप्रेजेंट्स लेडीज, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मैरिड अनमैरिड पर्सन्स. नंबर ठीक है. हाउ मैनी मैरिड लेडीज आर टीचर्स. मैरिड लेडीज मतलब आपको देखना है अनमैरिड लोग रेक्टेंगल में आते हैं, तो हमें वो लेडीज़ निकालनी है जो टीचर्स हों और अनमैरिड हो, सॉरी मैरिड हो. तो इसका मतलब वो जो सर्कल में आता हो, ट्राइंगल में आता हो, पर रेक्टेंगल में नहीं आता हो. तो ऐसा नंबर क्या है? 3 नंबर सर्कल में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा. तो आंसर इज 3. देन इन अ वेन डायग्राम ग्रुप ए रिप्रेजेंट दोज हु कैन स्पीक इंग्लिश. ए वाले इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, ठीक है. एंड ग्रुप बी रिप्रेजेंट दोज हु कैन स्पीक हिंदी. एंड ग्रुप सी रिप्रेजेंट दोज हु कैन स्पीक मराठी. द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज. एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज मतलब 2 लैंग्वेज, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. तो 2 नंबर 2 जो इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं, 5 लोग इंग्लिश और मराठी बोल सकते हैं, एंड 11 लोग क्या कहते हैं इसे हिंदी और मराठी बोल सकते हैं. तीनों पढ़ते. तो ये 3 नहीं लेना, हमें लेना है 2, 5 और 11. दैट इज़ 11, 5, 16, 16, 17, 18. Now coming to this question. In a class of 100 students, every student has passed in one or more of the 3 subjects. मतलब कोई भी फेल नहीं है. History और economics, English. History, economics and English. तो आप ये देखिए, सबसे पहले history. इसमें बोला कि total 100 students हैं, ठीक है. फिर बोला every student has passed in one or more of the 3 subjects. जैसा सब तीनों subject में पास हैं. हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश. तो हमें 3 वेन डायग्राम चाहिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है. हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है. फिर उसके बाद हम ऑल द स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन इंग्लिश ओनली, खाली इंग्लिश में. तो 24 इधर आ जाएगा. देन 14 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन हिस्ट्री ओनली, खाली हिस्ट्री में 14. देन 11 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. 11 तो ये वाले पार्ट में 11 आ जाएगा. देन पास इन बोथ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ओनली. देन 12 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री ओनली. इंग्लिश एंड हिस्ट्री ओनली. इंग्लिश एंड हिस्ट्री में कितने? 12 स्टूडेंट्स, ठीक है. इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ठीक है. देन उसके बाद टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन हिस्ट्री. टोटल 50 स्टूडेंट्स ने तो हिस्ट्री के टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. और हमें दे रखा है 5 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट. तो ऑल 3 सब्जेक्ट में 5 ये हो गया. तो ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं. 14 + 12 दैट इज़ इक्वल टू 26. 26 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 29. तो 29, एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है ये नंबर लिखने में. एक मिनट, दोबारा पढ़ लेते हैं. ये देखो, ये क्वेश्चन है. इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट हैज पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश. तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश. तो इसमें निकालना है कि हमें हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास इन इकोनॉमिक्स ओनली. अगर आप इसके उसमें निकालेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री में दे रखे थे, हिस्ट्री में है 50, और हमारे पास कितने 24 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन, सॉरी 14 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन हिस्ट्री. तो 14 प्लस उसके बाद 11 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन बोथ इंग्लिश,
12 स्टूडेंट्स हिस्ट्री में और इंग्लिश में, 12 प्लस 5 उसमें, तो ये एक्स निकल जाएगा, दैट इज़ 14 प्लस 12 दैट इज़ इक्वल टू 19 आ गए जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में पास थे, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में। फिर हम टोटल 110 में से माइनस करेंगे टोटल स्टूडेंट जितने भी हमें दे रखे हैं, तो हम निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 15। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 190, क्रिकेटर्स प्लेयर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, क्रिकेटर्स प्लेयर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब बताओ सारे प्लेयर्स ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे क्रिकेटर्स प्लेयर्स हैं, तो ये वाला कैटेगरी हो जाएगा ह्यूमन बीइंग, देन प्लेयर्स, देन क्रिकेटर्स, तो 190 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय गिवन वेन डायग्राम, हाउस विंडो एंड टेनेंट। हाउस, देखो हाउस के अंदर विंडो होती है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, और टेनेंट अलग एंटिटी है तो वो अलग, तो ये तो नहीं है। वीक्स ईयर्स एंड मंथ्स, देखो ईयर्स के अंदर मंथ्स होते हैं, मंथ्स के अंदर वीक्स, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, तो 191 का होगा बी। स्पाइसेस क्यूमिन सीड्स एंड फूड, सबसे पहली बात फूड आ गया ब्रॉड कैटेगरी, उसके अंदर सारे स्पाइसेस आते हैं, ये हो गया स्पाइसेस, उसके बाद क्यूमिन सीड्स आर स्पाइसेस, तो क्यूमिन सीड उसके अंदर आ जाएंगी, तो ये वाला डायग्राम 192 का ए हो गया हमारा। नाउ कमिंग टू द 193 क्वेश्चन, द गिवन वाइन डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिजल्ट्स ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स हु स्कोर 85%, ट्राइंगल जिन्होंने 85% स्टोर कराया, ठीक है, तो इन अब द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स हु स्कोर 85% एंड अबव इन मैथ्स, ठीक है, द सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर 85% एंड अबव इन इंग्लिश, ये मैथ्स ये इंग्लिश, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स हु स्कोर 85% अबव इन साइंस, ठीक है, एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट हु स्कोर 85% इन सोशल साइंस, ये सोशल साइंस हो गया, ठीक है, द नंबर गिवन, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर 85% एंड अबव इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में 85% अबव मिला है, तो हमें वो नंबर निकालना है जो इन चारों में आ रहा हो, ट्राइंगल में भी, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी, सर्कल में भी, तो देखो आप सबसे पहले फाइव नंबर ट्राइंगल में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, अब हम देखते हैं 17 नंबर ट्राइंगल में आ रहा है पर सर्कल में नहीं आ रहा, ऐसे 11 सर्कल में नहीं आ रहा, 15 सर्कल में नहीं आ रहा, 21 ऐसे नहीं आ रहा, 19 सर्कल में नहीं आ रहा है, 3 निकालते हैं तो 3 हमारा स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो 19 ओनली 5 इज़ द आंसर, तो 193 का होगा बी। देन अकाउंटेंट गर्ल्स एंड इंटरनेट यूज़र, ये सिंपल सी बात है, तीन एंटिटी हैं, कुछ अकाउंटेंट गर्ल्स होंगी, कुछ अकाउंटेंट्स इंटरनेट यूज़र्स भी हो सकते हैं, कुछ दोनों हो सकते हैं, इंटरनेट यूज़र्स भी हो और गर्ल्स भी हो, और कुछ कोई भी नहीं हो, ऐसी गर्ल्स के लिए, तो ऐसे डायग्राम हम कैसे दिखाते हैं, इस वाली रिलेशनशिप के साथ। नाउ कमिंग टू यूटेंसिल्स स्पून्स एंड स्टील आइटम्स, सबसे पहली बात यूटेंसिल एक कैटेगरी हो गई, स्पून्स सारे स्पून्स यूटेंसिल्स होते हैं, तो ये स्पून हो गया, ये यूटेंसिल्स हो गया, अब यूटेंसिल्स कैन बी स्टील आइटम एंड यू स्पून कैन ऑल्सो बी स्टील आइटम, तो हमारा डायग्राम बनेगा ऐसे, ये वाला इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ये दिखा रहा है कि स्टील यूटेंसिल कैन बी स्टील आइटम बट स्पून कैन नॉट बी, पर स्पून भी हो सकता है ना, इसलिए स्पून को भी लेंगे हम, तो इस वाले सर्कल में भी आएगा। देन द वेन डायग्राम गिवन बिलो शोज द आर्टिस्ट इन म्यूजिक स्कूल, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पियानिस्ट, द सर्कल रिप्रेजेंट्स ड्रमर, ठीक है, देन रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स गिटारिस्ट एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट सिंगर, ठीक है, देन उसके बाद नंबर गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट, हाउ मैनी सिंगर्स आर ऑल्सो पियानिस्ट एंड गिटारिस्ट बट नॉट ड्रमर्स, मतलब
वो नंबर जो ट्रायंगल में आता हो, स्क्वायर में आता हो, रेक्टेंगल में आता हो, पर सर्कल में नहीं आता हो। तो सर्कल के बाहर वाले नंबर देख लेते हैं, दैट इज़ 1, वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा। 2 स्क्वायर में नहीं आ रहा, 1 अगेन ट्रायंगल में नहीं आ रहा। 5 जो है वो ट्रायंगल में आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है। एक तो 5 हो गया, ठीक है। फिर 1 जो है आपका ट्रायंगल में नहीं आ रहा, 20 सिर्फ उसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 7, 7 भी स्क्वायर में आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है, पर रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। तो आंसर इज़ 5। देन 197 क्वेश्चन, डेज आवर्स एंड वीक्स। अगेन इन्हें तीन एंटिटी लेंगे, तो डेज़ के अंदर ये हो गया डेज, उसके अंदर वीक्स आते हैं, तो ये वीक्स हो गया, उसके अंदर आवर्स आते हैं, तो ऐसा डायग्राम कौन सा है, 197 का ए। देन इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल रिप्रेजेंट्स सर्जन, ये छोटा सा सर्कल सर्जन्स रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स प्रोफेशनल्स एंड पेंटागन रिप्रेजेंट्स इंडियंस। तो विच नंबर रिप्रेजेंट इंडियन डॉक्टर्स हु आर ऑल्सो सर्जन्स। तो सर्जन तो सर्कल है, ठीक है, और पेंटागन इंडियन है, इंडियन है, और डॉक्टर्स है ये। तो ऐसा जो नंबर सर्कल में आ रहा हो, पेंटागन में आ रहा हो और ट्राइंगल में भी आ रहा हो, तो ऐसा नंबर सिर्फ 5 है, 6 आपका पेंटागन में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 198 का सी। देन 199, द फॉलोइंग वेन डायग्राम गिव्स डेटा रीडिंग द रिगार्डिंग द स्पोर्ट टीम ऑफ ABC स्कूल। द सर्कल रिप्रेजेंट जूनियर, जूनियर जो अंडर 14 है, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स स्विमर्स, स्विमर्स। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स साइक्लिस्ट एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट एथलीट्स, एथलीट्स द नंबर गिवन, ठीक है। नाउ हाउ मैनी जूनियर स्टूडेंट आर बोथ गुड एथलीट्स एंड स्विमर्स बट नॉट साइक्लिस्ट। देखो ये कह रहा है कि जूनियर्स जो एथलीट्स भी हों स्विमर्स भी हों, मतलब जूनियर्स एथलीट्स और स्विमर्स, मतलब वो ट्राइंगल में आने चाहिए, सर्कल में आने चाहिए और रेक्टेंगल में आने चाहिए, पर वो साइक्लिस्ट ना हो, तो सॉरी रेक्टेंगल में नहीं आने चाहिए। तो नंबर आने चाहिए आपके ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो देखिए कौन सा नंबर, ये 1 1 तो आ नहीं रहे इसमें सर्कल में, तो फिर हम देख सकते हैं नंबर, एक तो 6 भी, 6 आपका इसमें नहीं आ रहा है स्क्वायर में, तो फिर हम देख सकते हैं 9 9 सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, तो एक तो 9 हो गया। देन 4 देखते हैं, तो 4 ट्रायंगल में नहीं आ रहा, 10, तो हमारा आंसर है 9, 199 का डी पार्ट। देन 200 पे आते हैं, फाइबर कॉटन एंड जूट। आपको पता होगा फाइबर मटीरियल के अंदर सारे कॉटन फाइबर होती है, सारी जूट फाइबर होती है, इवन जूट फाइबर को तो गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, पर ये आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा 200 डी, क्योंकि कॉटन और जूट आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो 200 का आंसर डी है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर को डालिए, मैं उसे डिस्कस करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।